रीवा जनपद पंचायत की बैठक अक्सर चर्चाओं में बनी रहती है। पहले तो बैठकें ही नहीं करवाई जाती थी, कभी कभार यदि बैठक शुरू करने का कहीं से दबाव भी बनता है तो शासन द्वारा मिले आरक्षण के हिसाब से रीवा जनपद पंचायत की अध्यक्ष संगीता यादव बनी है। लेकिन पूरा कार्यभार तो छोड़िए, बैठकों में उनके पति राजेश यादव देखने को मिलते हैं और अधिकारी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों को आदेश भी देते हैं। जब भी कभी मीडिया की नज़र इन पर पड़ती है तो मुंह छुपाते हुए भागते हैं। कई बार मामला सामने आया कि यह बैठक में आदेश देते दिखाई देते हैं। एक बार फिर से उनकी यह करतूत ताज़ा हुई है। बता दें कि आज जब रीवा जनपद पंचायत में बैठक आयोजित की गई और जब कुछ मीडिया कर्मी वहाँ पहुँचे तो उन्हें रोक दिया गया, अंदर नहीं जाने दिया गया। जनपद पंचायत के CEO हलधर मिश्रा मीडिया कर्मियों को गेट पर ही रोकते हुए गेट बंद करवा दिया। साथ ही पत्रकारों से अभद्रता भी की गई। CEO द्वारा मीडिया कर्मियों को कहा गया कि पहले परमिशन लेकर आओ। तो आपको बता दें कि मीडिया कर्मियों को परमिशन ही होती है कि ऐसी बैठकों में सभा की कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं। अब वह किसकी परमिशन लेकर आए? खैर, आप वीडियो में देख सकते हैं कि अंदर बैठे हुए जनपद पंचायत अध्यक्ष के पति बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन पर अपना हाथ CEO रख रहे हैं कि किस तरह से मीडिया कर्मियों को गेट पर रोक रहे हैं और गेट बंद कर दिए। जबकि आपने देखा होगा कि लोकसभा, विधानसभा, यहां तक कि नगर निगम, यदि रीवा की बात की जाए तो नगर निगम की कार्रवाई को भी मीडिया द्वारा कवरेज किया जाता है। आखिर ऐसी वहां क्या चर्चा करनी थी कि अंदर नहीं जाने दिया गया? ऐसा तो है नहीं कि किसी लूट डकैती की योजना बनाई जाती होगी, आम जनता के हित के ही बात की जाती होगी जिसको मीडिया के सामने रखना चाहिए। जनता भी जाने कि वह जिन जनप्रतिनिधियों को भेजी है वह उनके हित की कितनी बात कर रहे हैं, जिससे जनप्रतिनिधियों के किए गए कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने पहुंचना चाहिए। पहली बात तो कई जनपद सदस्यों के दबाव के बाद बैठक आयोजित हुई, उस पर भी अध्यक्ष पति के इशारों पर मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया। कहा गया कि पहले परमिशन लेकर आओ। अब इनको कौन बताए कि मीडिया को कैसी और क्या परमिशन होती है? कई महीनों से जनपद पंचायत की बैठक नहीं हुई। जनपद सदस्यों के दबाव के बाद जब जनपद सदस्यों ने कलेक्टर, कमिश्नर, जिला पंचायत CEO को ज्ञापन दिया, उसके बाद कहीं मुहूर्त बना भी, उस पर भी जनपद पंचायत CEO जनपद पंचायत अध्यक्ष पति के इशारों पर मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार का स्पष्ट आदेश है कि महिला आरक्षित पदों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के एवज में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकों का संचालन उनके पुरुष पति एवं अन्य परिजनों द्वारा किया जाना वर्जित है। यदि कोई सरपंच पति या पंच पति महिला सरपंच एवं पंच के स्थान पर ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेता पाया जाता है तो संबंधित महिला सरपंच पंच के विरुद्ध पद से विधिवत हटाए जाने की कार्रवाई प्रारंभ करे। यह नियम समस्त पंचायती राजों में लागू होता है। इस आदेश के बाद भी जनपद पंचायत अध्यक्ष संगीता यादव के पति राजेश यादव बैठकों में शामिल होते हैं। इस बार तो हद यह हो गई कि मीडिया कर्मियों से अभद्रता भी की गई, दरवाजा बंद कर दिया गया, अंदर नहीं जाने दिया गया। कुल मिलाकर शासन द्वारा महिलाओं को दिए गए आरक्षण में महिला के अधिकारों का हनन है। जिले में महिला कलेक्टर होने के बावजूद भी एक महिला के अधिकारों का हनन हो रहा है। चाहिए कि सख्त आदेश दिए जाएं कि बैठक में केवल जनपद पंचायत अध्यक्ष ही शामिल होंगी। इसमें सबकी मिलीभगत हो सकती है, कलेक्टर की, जनपद पंचायत CEO, जिला पंचायत CEO, कलेक्टर और स्वयं इसमें शामिल हैं अध्यक्ष के पति, जिनको यह नहीं पता कि शासन का क्या आदेश है। आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए बैठक में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अध्यक्ष पति राजेश यादव धड़ल्ले से शामिल होते हैं। जनपद पंचायत के विभागीय कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधियों की माने तो जनपद अध्यक्ष पति राजेश यादव द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव का रिश्तेदार बताकर धौंस दिखाई जाती है और इनको स्थानीय नेताओं का बरदहस्त तो प्राप्त ही है। देखना दिलचस्प होगा कि जिले में महिला कलेक्टर होने के बाद क्या एक महिला जनप्रतिनिधि के अधिकारों की सुरक्षा कलेक्टर कर पाएंगी या फिर इसको संज्ञान में लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ कार्रवाई करते हैं। देखना दिलचस्प होगा। नहीं,
ये कौन है भाई? तो आपके भी तो पति है, वो भी तो बैठ सकते हैं। सदस्य नहीं, वो नहीं बैठेगा, बिल्कुल साथ है। आप मेरे से बंद करते हैं कर्मचारी। जिला जनपद जिला पंचायत सीओ साहब से परमिशन ले भैया, आप अधिकारी हैं, सब कुछ मैं मानता हूँ, कुछ भी हैं, लेकिन आपको मैं कर्मचारी नहीं हूँ। बाधा हम नहीं बन रहे हैं, बाधा आप लोग आपस में बन रहे हैं। हम व्यवस्था बनाए, व्यवस्था गड़बड़ आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं व्यवस्था गड़बड़। मीडिया जो है तो नहीं आ सकते, खत्म नहीं होती पंचायत का। रिजर्व नहीं देना।